हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय 8 वानिकी यानी कि फॉरेस्ट्री पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, हर एग्जाम में इससे प्रश्न आता भी है और प्रश्न विवादों में चला भी जाता है। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल अभी आप लोगों के सामने है, पीएससी में पूछा गया प्रश्न जो कि विवादों में रहा और इसके कारण आपके पीएससी प्री का जो रिजल्ट है वो अटका हुआ है। ठीक, तो थोड़ा सा ध्यान समझते हुए चलिएगा, आगे इस पर हम और डिस्कस करेंगे कैसा इसका आंसर लेना चाहिए, क्या इसका आंसर होगा, काफ़ी डिटेल में इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो ध्यान समझते हुए चलिएगा। देखिए, अध्याय 8 वानिकी यानी कि फॉरेस्ट्री, वानिकी का GSDP में भागीदारी, ठीक है, वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस वानिकी क्षेत्र का GSDP यानी कि छत्तीसगढ़ सकल राज्य घरेलू उत्पाद में जो भागीदारी है इस वानिकी क्षेत्र का, स्थिर कीमतों पर, ध्यान दीजिएगा, स्थिर कीमतों पर भागीदारी है आपका 6,70,109 लाख रुपए, 6,70,109 लाख रुपए, इसे ऐसे पढ़िएगा 670109 लाख। ठीक, इतना रुपए जो है आपका छत्तीसगढ़ के GSDP में भागीदारी है। छत्तीसगढ़ का जो आपका GSDP का आकार है वो है आपका 2,43,476 करोड़ रुपए। तो इस 2,43,476 करोड़ रुपए में से आपका 6,70,109 लाख रुपए जो है ये आपका GDP में भागीदारी है वानिकी क्षेत्र का, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के कुल GSDP का आपका 2.19% है। ये आंकड़े याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन इस परसेंटेज को याद रखना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो आपका कुल GDP का आकार है 2,43,476 करोड़ रुपए, तो उस कुल GDP के आकार का 2.91% जो है भागीदारी वो आपके वानिकी यानी कि फॉरेस्ट्री क्षेत्र का है। ठीक, देखिए, अब जो हम पढ़ने वाले हैं ये आपके इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ डाटा नहीं है, ये आपके इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट से हम ये आपके आंकड़े पढ़ने वाले हैं। देखिए, 16वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट अभी वर्ष 2019 में यानी कि पिछले साल जो है आपका 16वें नंबर का आपका भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट ISFR रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, देखिए, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि हाल ही में भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट का कौन सा संस्करण आपका आया। तो ध्यान दीजिएगा, ये संस्करण है ये 16वें नंबर का संस्करण है। ठीक है, भारतीय वन यानी कि भारत के जो आपके राज्य है, भारत के राज्यों के वनों की स्थिति बताने के लिए जो रिपोर्ट पेश की गई थी, ये जो रिपोर्ट है ये इस रिपोर्ट का आपका 16वां संस्करण था। तो 16वीं रिपोर्ट पेश की गई थी आपके वर्ष 2019 में, प्रत्येक 2 साल में आपकी ये वन स्थिति रिपोर्ट पेश की जाती है। ठीक, देखिए, ध्यान समझिएगा, छत्तीसगढ़ जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल है 135,194 वर्ग किलोमीटर, 135,194 वर्ग किलोमीटर, ये आपके छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल है। यानी कि जो आप छत्तीसगढ़ का मैप देखते हैं तो उस मैप का जो आपके उस मैप के अंदर का जो एरिया है, जो उसका कुल टोटल जो एरिया है, जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, वो है आपका 135,194 वर्ग किलोमीटर। अब इसमें भी कमेंट मत कीजिएगा कि सर बुक में 135,191 दिया है, 192 दिया है, 198 दिया है, 1-2 डिजिट से 1-2 नंबर से फर्क नहीं पड़ता, शुरू के जो डिजिट है उसको याद रखिए। 135,194 वर्ग किलोमीटर ये छत्तीसगढ़ का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। ठीक, देखिए, अब इस 135,194 वर्ग किलोमीटर में से जो छत्तीसगढ़ का जो आपका वनावरण है यानी कि जो फॉरेस्ट कवर है वो है आपका 55,611 वर्ग किलोमीटर, 55,611 वर्ग किलोमीटर ये छत्तीसगढ़ का कुल वनावरण यानी कि आपका फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, फॉरेस्ट कवर है, जबकि आपका छत्तीसगढ़ का जो वन क्षेत्र है, वन क्षेत्र यानी कि फॉरेस्ट एरिया, वन क्षेत्रफल है आपका 59,772 वर्ग किलोमीटर, 59,772 वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ का आपका वन क्षेत्र यानी कि आपका फॉरेस्ट एरिया है। ध्यान समझते हुए चलिएगा जो बता रहा हूं, और यह है आपका वृक्षावरण, वृक्षावरण यानी होता है आपका ट्री कवर। छत्तीसगढ़ के जो आपका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 135,194 वर्ग किलोमीटर, इस 135,194 वर्ग किलोमीटर में से 4,248 वर्ग किलोमीटर जो है यह आपका वृक्षावरण यानी कि वृक्षों का आवरण यानी कि आपका ट्री कवर है। ठीक है, ट्री कवर। अब देखिए, ध्यान समझते चलिए, वनावरण क्या होता है, वृक्षावरण क्या होता है, वनावरण क्या होता है, वन क्षेत्रफल क्या होता है और वृक्षावरण क्या होता है, इसका डिफरेंस समझ लीजिए। देखिए, जब आप वनावरण में जब आप वृक्षावरण को ऐड करेंगे तब आपका वन क्षेत्रफल मिलता है, यानी कि फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर इज इक्वल टू फॉरेस्ट एरिया।
फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर इज इक्वल टू फॉरेस्ट एरिया। जब आप वनावरण में वृक्षावरण को जोड़ते हैं तब आपका वन क्षेत्रफल मिलता है, ठीक है। तो वनावरण क्या होता है, वन क्षेत्रफल क्या होता है, वृक्षावरण क्या होता है, एकदम दिमाग में क्लियर रखिए इन चीजों को। देखिए अब समझिएगा, ये वनावरण और आपके वन क्षेत्रफल में डिफरेंस क्या है, वनावरण क्या होता है, वृक्षावरण क्या होता है, ये जो है ये आपके सर्वे के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि देखिए, जब आपके वन भूभाग का जब आपका सर्वे किया जाता है कि कितना एरिया जो है आपका वन क्षेत्र यानी कि वनावरण के अंतर्गत काउंट किया जाना है, तो देखिए वन के अंतर्गत आपके पेड़ भी आते हैं, पेड़, नदी, नाले, पहाड़, पर्वत, जितने भी चीजें हैं जो आपके जंगलों में मौजूद है वो सभी के सभी आपके वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, यानी कि वनावरण के अंतर्गत आते हैं। तो किसे हम आपका वनावरण कहेंगे और किसे हम आपका वृक्षावरण कहेंगे, ये क्या होता है इसे समझिएगा। देखिए जैसे कि मान लीजिए आपका ये एक आपका लैंड एरिया है, इसका सर्वे किया जा रहा है, एक लैंड एरिया है जिसका सर्वे किया जा रहा है, तो इस लैंड एरिया के इतना एरिया मान लीजिए 9% एरिया में आपका वृक्षों का आवरण है, 9% एरिया पर आपका वृक्षों का आवरण है, और एक भूमि जिसका सर्वे किया जा रहा है जिसके लगभग 25% एरिया पर, 25% एरिया पर आपका वृक्षों का आवरण है। समझिएगा, ये जो आपका वनावरण और जो वृक्षावरण है ये इनके बीच का जो डिफरेंस है ये एक वर्ड पर आपका डिपेंड करता है, ट्री कैनपी डेंसिटी। ट्री कैनपी डेंसिटी, ये ट्री कैनपी डेंसिटी क्या होता है, वृक्षों का सघन मंडपाकार आवरण, वृक्षों का सघन मंडपाकार आवरण। देखिए मंडपाकार यानी कि मंडप शेप में, जो शादी पार्टी में जो आपके मंडप लगाए जाते हैं, जो पंडाल लगाए जाते हैं स्क्वायर शेप में, तो वृक्षों का सघन मंडपाकार आवरण ये जो है आपका डिफरेंस लाता है वृक्षावरण और वनावरण दोनों में। अब होता क्या समझते हो, चलिएगा देखिए, किसे हम आपका वनावरण कहेंगे और किसे हम आपका वृक्षावरण कहेंगे। अगर किसी भूमि का सर्वे किया जा रहा है, किसी भूमि का सर्वे किया जा रहा है और उस भूमि में वृक्षों का जो सघन मंडपाकार आवरण है, वृक्षों का जो सघन मंडपाकार आवरण है वो 10% से अधिक है, वृक्षों का सघन मंडपाकार आवरण वो 10% से अधिक है, 10% से अधिक, 10% से अधिक या आपके 1 हेक्टेयर भूमि से अधिक है, ठीक है, 1 हेक्टेयर एरिया से अधिक है, तो वो आपका वनावरण के अंतर्गत काउंट होता है वृक्षावरण। जब आपका किसी भूमि का सर्वे किया जा रहा है और उस भूमि में जो वृक्षों का जो आपका ट्री कैनपी डेंसिटी यानी कि वृक्षों का जो सघन मंडपाकार आवरण जो है वो आपका कुल भूभाग के 10% से कम, 10% से कम या आपके 1 हेक्टेयर से कम भूमि पर है, तो वो जो है आपके वृक्षावरण के अंतर्गत काउंट होता है। जैसे कि मान लीजिए इस लैंड एरिया का आपका सर्वे किया जा रहा है, तो हम क्या देख रहे हैं, 10% से कम या 1 हेक्टेयर से कम है, तो कुल भूभाग के मात्र 9% एरिया पे आपका ट्री कैनपी डेंसिटी यानी कि वृक्षों का सघन मंडपाकार आवरण है, तो 9% यानी कि 10% से कम है, तो ये वाला जो एरिया है ये वाला एरिया काउंट होगा आपके ट्री कवर के अंतर्गत। जबकि क्या कहा गया है, जब आपके किसी भूमि का सर्वे किया जा रहा है और उस भूमि पर 10% से अधिक या 1 हेक्टेयर से अधिक जो है ट्री कैनपी डेंसिटी यानी कि वृक्षों का सघन मंडपाकार आवरण है, तो वो काउंट होगा आपका ये इसमें फॉरेस्ट कवर में, यानी कि यहां कितना है, ये 25% है, तो ये काउंट होता है आपके फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत, ठीक है, फॉरेस्ट कवर। और जब हम फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर, ठीक है, ये जो आपका फॉरेस्ट कवर है और जो ट्री कवर है, इन दोनों को ऐड कर दें तब हमको मिलता है फॉरेस्ट एरिया यानी कि आपका वन क्षेत्र, ठीक। तो छत्तीसगढ़ का जो आपका वनावरण है यानी कि जो फॉरेस्ट कवर है वो है आपका 55,611 वर्ग किलोमीटर, जबकि वन क्षेत्र यानी कि फॉरेस्ट एरिया है आपका 59,772 वर्ग किलोमीटर, जबकि वृक्षावरण है आपका 4,248 वर्ग किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, इसको और इसको ऐड करने से ये मिलेगा, इसकी उम्मीद मत कीजिएगा, ठीक है, वरना नीचे कमेंट करके बोलेंगे कि सर इसको और इसको हम ऐड कर रहे हैं तो इससे ज्यादा आ रहा है, बिल्कुल ज्यादा आएगा। ये जो आपका डाटा जो है ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, जो आपका वन विभाग का जो आपके हर दो साल में जो रिपोर्ट पेश किया जाता है उस रिपोर्ट में आपके वनावरण के डाटा बताए जाते हैं, और ये जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है ये डाटा काफी पुराना है। आप जब वनावरण और वृक्षावरण को ऐड करेंगे तो ये आपका डाटा नहीं मिलेगा, एग्जैक्ट डाटा नहीं मिलेगा, तो जोड़ने का कोशिश मत कीजिएगा,
ठीक, तो ये होता है आपका वनावरण और वृक्षावरण, वनावरण वृक्षावरण और आपका वन क्षेत्र। तो ध्यान से समझिएगा, ये जो परसेंटेज है इस परसेंटेज पर ध्यान दीजिए। देखिए छत्तीसगढ़ का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है 135,194 वर्ग किलोमीटर, इस 135,194 वर्ग किलोमीटर में से 41.13% एरिया पर जो है आपका वनावरण है, 41.13% एरिया जो है ये फॉरेस्ट कवर है। वर्ड पर ध्यान दीजिए, फॉरेस्ट कवर। ठीक, हिंदी के वर्ड में थोड़ा दिक्कत होगा तो इंग्लिश में थोड़ा देखिएगा, क्वेश्चन पेपर आपका बाइलैंग्वल आता है। ठीक है, तो देखिए छत्तीसगढ़ का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है 135,194 वर्ग किलोमीटर, तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 41.13% जो एरिया है ये आपका वनावरण यानी कि फॉरेस्ट कवर है, जबकि छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 44.21% जो आपका हिस्सा है ये आपका कुल वन क्षेत्र है। यानी कि छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल है 135,194 वर्ग किलोमीटर, इस 135,194 वर्ग किलोमीटर में से 59,772 वर्ग किलोमीटर आपका वन क्षेत्रफल है यानी कि फॉरेस्ट एरिया है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 44.21% 44.21% एरिया है। प्रश्न क्या पूछ रहा है ध्यान से समझना, या अगर हिंदी में कंफ्यूजन होगा तो इंग्लिश में ध्यान देना। फॉरेस्ट कवर पूछ रहा है कि फॉरेस्ट एरिया पूछ रहा है, उसके हिसाब से डाटा या फिर परसेंटेज आप आंसर में लेंगे। अक्सर जो क्वेश्चन जो है ये आपके परसेंटेज से बनता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, ये जो आपका जो रिपोर्ट आया भारतीय राज्य वन स्थिति रिपोर्ट 2019, तो ये जो है आपके पिछली ISFR का मतलब इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, पिछले ISFR रिपोर्ट की तुलना में छत्तीसगढ़ का जो वनावरण है, छत्तीसगढ़ के वनावरण में 64 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, ये जो आपका वर्ग किलोमीटर है, तो पिछली रिपोर्ट आई थी आपकी वर्ष 2017 में, तो इन दो सालों में छत्तीसगढ़ के वनावरण यानी कि फॉरेस्ट कवर में आपके 64 वर्ग किलोमीटर एरिया यानी कि क्षेत्र की वृद्धि हुई है। ठीक है, जो कि आपका 0.12% इंक्रीज यानी कि वृद्धि को दर्शाता है। पिछले रिपोर्ट की तुलना में इस बार की जो रिपोर्ट है इसमें हमारे छत्तीसगढ़ का जो आपका फॉरेस्ट कवर है उसमें 0.12% की इंक्रीमेंट यानी कि वृद्धि हुई है, जो कि अगर हम डाटा की बात करें तो 64 वर्ग किलोमीटर वनावरण क्षेत्र बढ़ा है। ठीक, देखिए अब एक प्रश्न आता है जो काफी विवादों में भी रहता है, इस पर हम डिस्कस करते हैं कि फॉरेस्ट कवर यानी कि वनावरण के आधार पर और आपके फॉरेस्ट एरिया यानी कि वन क्षेत्र के आधार पर छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है। सबसे पहले हम देखते हैं आपका फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट कवर के आधार पर छत्तीसगढ़ जो है देश में तीसरे स्थान पर है। पहले नंबर पर है आपका मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पर है हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, किसके आधार पर? वनावरण के आधार पर, फॉरेस्ट कवर के आधार पर, वनावरण के आधार पर हमारा छत्तीसगढ़ जो है ये देश में तीसरे स्थान पर है, जबकि फॉरेस्ट एरिया यानी कि फॉरेस्ट एरिया का मतलब वन क्षेत्रफल के आधार पर हमारा छत्तीसगढ़ जो है देश में चौथे स्थान पर है। पहले नंबर पर है मध्य प्रदेश, दूसरे में है महाराष्ट्र, तीसरे में है उड़ीसा और चौथा में है हमारा छत्तीसगढ़। इंपॉर्टेंट है, अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, लास्ट ईयर जो आपके जो रिपोर्ट है वर्ष 2019 में आया था, वर्ष 2019 में रिपोर्ट आया था और मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था छत्तीसगढ़ वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के ऊपर, जिसमें मैंने आपको ये सारे डाटा बताए थे और उस पर भी मैंने आपको पूरा डिटेलिंग से बताया था कि वनावरण क्या होता है, वृक्षावरण क्या होता है, वन क्षेत्र क्या होता है। उसमें मैंने आपको बताया था कि वनावरण यानी कि फॉरेस्ट कवर, हिंदी में समझ में नहीं आएगा तो इंग्लिश में देखना, वनावरण के आधार पर जो हमारा छत्तीसगढ़ जो है ये देश में तीसरे स्थान पर है, जबकि वन क्षेत्रफल के आधार पर यानी कि फॉरेस्ट एरिया के आधार पर छत्तीसगढ़ जो है ये देश में चौथे स्थान पर है। और ये प्रश्न आया भी आपके CGPSC प्री 2019 के एग्जाम में आया और आंसर लिया, जो आपका एग्जाम में प्रश्न क्या पूछा गया था कि जो छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ वन क्षेत्र के मामले में देश में कौन से स्थान पर है, यानी कि फॉरेस्ट एरिया के बारे में पूछा गया था, उसमें पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान दिया था। तो जो हमने पढ़ा था वो था चौथा स्थान, जबकि PSC ने आंसर लिया तीसरा स्थान। ठीक है, PSC ने अपना तीसरा स्थान लिया। इसके बाद आप लोगों के जो है कमेंट की बौछार आ गई उस वीडियो के नीचे कि आपने हमें गलत डाटा बता दिया, आपके डाटा के कारण हमारा एक क्वेश्चन गलत हो गया, PSC ने तीसरा आंसर लिया आपने चौथा बताया था, आपके ऊपर विश्वास करके हमने जो है ये आंसर टिक कर दिया था। तो मेरे भाई,
आपको जब जो है कोई भी आंसर अगर बताया जाता है, कोई भी डाटा बताया जाता है, तो उसका एक प्रॉपर ऑथेंटिक सोर्स होता है। या तो गवर्नमेंट के डाटा, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का डाटा होगा, या तो फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट का डाटा होगा। आप सेंट्रल गवर्नमेंट का डाटा उठा के देखिए या स्टेट गवर्नमेंट का डाटा उठा करके देखिए, दोनों में अगर आप देखेंगे तो फॉरेस्ट एरिया के आधार पर छत्तीसगढ़ चौथे स्थान पर है, न कि तीसरे स्थान पर। जो आपके छत्तीसगढ़ का जो ऑफिशियल इकोनॉमिक सर्वे है, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसकी बात नहीं, जो आपके जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो हर साल आपके इकोनॉमिक सर्वे जो पब्लिश करती है, उसके चैप्टर 8 में जाकर के आप देखिए, उसके चैप्टर 8 के पहले ही पैराग्राफ में क्लियरली मेंशन किया गया है कि छत्तीसगढ़ जो है वो वनावरण के आधार पर तीसरे स्थान पर है, जबकि वन क्षेत्र के आधार पर चौथे स्थान पर है। लेकिन उसको छोड़ करके आप लोग जो है चढ़ाई हमारे ऊपर कर रहे हो कि आपके कारण हमारा एक क्वेश्चन गलत हो गया, आपके कारण जो है हमारा भविष्य खतरे में हो गया। ये पीएससी की गलती है। अगर अगर उतना भी अगर आपका सोचने की क्षमता नहीं है, तो ये देख लीजिए कि अभी जो हाई कोर्ट में जो आपका सीजीपीएससी प्री का जो रिजल्ट पेंडिंग पड़ा है, वो इन्हीं क्वेश्चन के कारण, केवल अकेला ये क्वेश्चन नहीं है, और भी तीन क्वेश्चन जो है जांच के दायरे में आए हैं। उसमें से एक ये क्वेश्चन भी उसमें शामिल है कि छत्तीसगढ़ जो है वन क्षेत्र के आधार पर देश में कौन से स्थान पर है, क्योंकि गवर्नमेंट के ऑफिशियल डाटा में चौथा दिया हुआ है और जो पीएससी ने जो आंसर लिया है वो लिया है तीसरा। तो आपको कोई भी जो है आंख बंद करके आपको कोई भी डाटा नहीं बताया जाते, जो भी डाटा लिए जाते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल कोई रिपोर्ट से लिया जाएगा या तो स्टेट गवर्नमेंट के रिपोर्ट से लिया जाएगा, ठीक। तो कभी भी जो है किसी पर भी ब्लेम लगाने से पहले एक बार ऑफिशियल डाटा जाकर के चेक कर लिया कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ में वनावरण, ठीक है। छत्तीसगढ़ में वनावरण के आधार पर जो है छत्तीसगढ़ की जिलों की स्थिति 18 जिलों के आधार पर, क्योंकि जो आपके जो सर्वे रिपोर्ट आई है, इस सर्वे रिपोर्ट में आपका सेंसस यानी कि जनगणना 2011 को फॉलो किया जाता है, और वर्ष 2011 में हमारे छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या आपकी 18 थी। बाद में जो है आपके बाकी के जिले बने आपके वर्ष 2012 में, ठीक है। तो ये जो आपके वनावरण छत्तीसगढ़ में जो आपके वनावरण स्थिति है जो जिलों में, उस पर हम अभी चर्चा करेंगे। एक देखेंगे एरिया वाइज और दूसरा देखेंगे परसेंटेज वाइज 18 जिलों में, ठीक है। अभी वर्तमान में आपके 28 जिले हो गए, पहले 27 थे, एक गोरिल्ला पिंडरा मरवाही बना, 28 जिले हो गए। लेकिन हम चर्चा करेंगे आपके 18 जिलों पर कब का हमारा ये नक्शा है छत्तीसगढ़ का, वर्ष 2011 का जनगणना के आधार पर, ठीक है। वर्ष 2011 में हमारे छत्तीसगढ़ में केवल आपके 18 जिले थे, ठीक। तो देखिए एरिया वाइज यानी कि वर्ग किलोमीटर में अगर हम देखें तो हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जो आपका वनावरण है यानी कि जो फॉरेस्ट कवर है वो है आपके सरगुजा में, सेकंड नंबर पर है बीजापुर में, थर्ड नंबर पर है दंतेवाड़ा में। सरगुजा में जो है लगभग 7000, पूरा डाटा एग्जैक्ट डाटा याद करने की जरूरत नहीं है, केवल जो है मेन डाटा याद कीजिए। सरगुजा में है आपका 7000 वर्ग किलोमीटर जो है वनावरण है, बीजापुर में है आपका 6000 वर्ग किलोमीटर, जबकि दंतेवाड़ा में है आपका 4000 वर्ग किलोमीटर एरिया वाइज, ठीक है। ये जो सरगुजा है, सरगुजा आपके वर्ष 2011 का सरगुजा है, यानी कि सरगुजा से विभाजित होकर के सूरजपुर और बलरामपुर नहीं बने थे, तो सरगुजा सूरजपुर और बलरामपुर इतने बड़े एरिया में जो है आपका फॉरेस्ट कवर था, ठीक है। तो इसलिए जो आपका सरगुजा है ये 18 जिलों के आधार पर टॉप पोजिशन पर है एरिया वाइज, ठीक। नेक्स्ट है परसेंटेज वाइज पहले नंबर पर है आपका नारायणपुर, दूसरे नंबर पर है बीजापुर और तीसरे नंबर पर है कोरिया। नारायणपुर बीजापुर कोरिया परसेंटेज वाइज मतलब उस जिले का जो आपका कुल क्षेत्रफल है, तो उस जिले के कुल क्षेत्रफल के कितने एरिया में जो है, कितने प्रतिशत क्षेत्र में जो है आपका वनावरण है यह बताया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए नारायणपुर का जो आपका कुल क्षेत्रफल यानी कि 100% आपके नारायणपुर का जो क्षेत्रफल है उसमें से 81% एरिया पर जो है आपका वनावरण है, ठीक है। 81% नारायणपुर के जिले का जो कुल क्षेत्रफल है उस कुल क्षेत्रफल के 81% एरिया जो है ये आपका वनाच्छादित यानी कि वनावरण वनावृत है, फॉरेस्ट कवर है। सेकंड नंबर पर है बीजापुर के कुल क्षेत्रफल का 76% एरिया जो है ये आपके वनाच्छादित यानी कि फॉरेस्ट कवर है। कोरिया जिले का कुल क्षेत्रफल का 62% जो है यह आपका वनों से घिरा हुआ है यानी कि वनावरण है, ठीक। तो ये तो थे आपके टॉप थ्री। अगर मिनिमम पूछा जाए तो न्यूनतम है आपका जांजगीर चांपा, एरिया वाइज भी और परसेंटेज वाइज भी, ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर भी और आपके प्रतिशत के आधार पर भी। जांजगीर चांपा जो जिला है, जांजगीर चांपा जिला में जिले का जो है आपका 146 वर्ग किलोमीटर, जांजगीर चांपा जिले का 146 वर्ग किलोमीटर जो है ये केवल आपका वनों से घिरा हुआ है यानी कि फॉरेस्ट कवर है। अगर परसेंटेज वाइज ही बात करें तो कुल
क्षेत्रफल का, जांजगीर चांपा जिले के कुल क्षेत्रफल का आपका 3% जो एरिया है ये आपका फॉरेस्ट कवर है, ठीक है। तो मैक्सिमम में एरिया वाइज जो है आपका सरगुजा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, परसेंटेज वाइज नारायणपुर, बीजापुर, कोरिया, न्यूनतम की बात करें तो जांजगीर चांपा एरिया वाइज भी और परसेंटेज वाइज भी, ठीक। नेक्स्ट देखिए छत्तीसगढ़ में वनों की स्थिति, एक है आपका यहाँ पर कॉलम बना हुआ है, ध्यान से समझते हुए चलिएगा, ये है वनों का वर्गीकरण, वन क्षेत्र यानी कि कितने एरिया पे जो है वन आपके फैले हुए हैं और उसका प्रतिशत। एक होता है आरक्षित वन, संरक्षित वन और खुला वन, यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट और आपका ओपन फॉरेस्ट। ये होता क्या है समझते चलिएगा, रिजर्व फॉरेस्ट ऐसा वन क्षेत्र जो कि आम व्यक्तियों के इस्तेमाल के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित होता है, ऐसा वन क्षेत्र जो कि आम आदमियों के इस्तेमाल के लिए यानी कि उनके कॉमन यूज के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित होता है, यहां पर मानव प्रवेश पूर्णतः वर्जित होता है, वो कहलाता है आपका आरक्षित वन क्षेत्र। दूसरा होता है संरक्षित वन क्षेत्र यानी कि प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट, ये जो आपका वन क्षेत्र संरक्षित वन क्षेत्र जो होता है इसमें जो है आपके कुछ हद तक मानव हस्तक्षेप जो है उसका परमिशन दिया जाता है लाइसेंस के माध्यम से, परमिट के माध्यम से। और तीसरा होता है अवर्गीकृत यानी कि ओपन फॉरेस्ट यानी कि खुला वन, ऐसा वन जो कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में दर्ज तो है लेकिन ये किसी भी प्रकार से जो है इसमें मानव हस्तक्षेप प्रतिबंधित नहीं किया गया है, ये सभी के लिए खुले हैं यानी कि अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन के अंतर्गत जो है आपके जो नेशनल, जो आपके जो नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, ये सभी के सभी आपके जो सेंचुरीज है ये सभी के सभी जो है आपके आरक्षित वन के अंतर्गत आते हैं। संरक्षित वन जैसे कि जो आपके इमारती लकड़ियों के लिए ठेकेदारों को जो है आपका परमिट दिया जाता है, लाइसेंस दिया जाता है, कुछ हद तक जाकर के चंदन की लकड़ी काट के ला लिए, साल की लकड़ी काट के ला लिए, शीशम की लकड़ी काट के ला लिए, तो ये जो आपका ये संरक्षित क्षेत्र होता है, इन संरक्षित क्षेत्र में लाइसेंस या परमिट के माध्यम से इन वनों का उपयोग करने का अधिकार दिया जाता है किसी व्यक्ति विशेष को। और तीसरा होता है खुला वन यानी कि इन वनों का जो आंकड़ा है गवर्नमेंट के पास मौजूद तो है लेकिन इस पर किसी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं होता। तो ध्यान दीजिएगा ये यहां बात हो रही है वन क्षेत्रफल की यानी 59,772 वर्ग किलोमीटर की। तो छत्तीसगढ़ का जो आपका 59,772 वर्ग किलोमीटर में से 25,000 वर्ग किलोमीटर आपका आरक्षित वन के अंतर्गत आता है यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है, जबकि 24,000 वर्ग किलोमीटर जो है ये संरक्षित वन यानी कि प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है, जबकि 9,000 जो है ये आपका अवर्गीकृत यानी कि ओपन फॉरेस्ट खुला वन के अंतर्गत आता है। तीनों को ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा आपके 59,000 के आसपास, केवल हमको अप्रॉक्स में डाटा याद रखना है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा छत्तीसगढ़ के कुल वन क्षेत्र का 43.13% 43.13% जो आपका एरिया है यह आपका रिजर्व्ड है। छत्तीसगढ़ के कुल वन क्षेत्रफल का 40.22% यानी कि 40.22% जो आपका एरिया है यह आपका संरक्षित यानी कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। छत्तीसगढ़ के कुल वन क्षेत्रफल का 16.65% एरिया जो है यह आपका अवर्गीकृत यानी कि ओपन फॉरेस्ट है, ठीक है। तो ये परसेंटेज को भी याद रखिएगा, परसेंटेज से प्रश्न आता है। जबकि छत्तीसगढ़ का जो आपका वन क्षेत्र है उसमें से 18.92% जो है ये आपके वन्य प्राणियों के लिए आरक्षित है। वन्य प्राणियों के लिए आरक्षित का मतलब यानी कि इस एरिया में जो है बाड़ा बना करके या जाली लगा करके या जो आपके जीव जंतु है उन्हें एक एरिया में उनका जो क्षेत्र है सीमित किया जाता है। जैसे कि अचानक मार हो गया, आपका समरसोत हो गया, आपका तमोर पिंगला हो गया, तो ये जो एरिया है यहाँ पर जो है आपके केवल और केवल जंगलों के जो आपके वन्य जो जीव है उन्हीं के लिए क्षेत्र आरक्षित है, ठीक है। इसको इससे कंपेयर मत कीजिएगा कि ये आंकड़ा इतना ज़्यादा, ये आरक्षित वन जरूर है लेकिन आरक्षित वन का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जहां पर सरकार किसी को प्रवेश करना जो है प्रतिबंध वर्जित रखती है। ऐसा नहीं कि ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये आपका केवल वन्य जीवों के लिए है, कुछ इमारती लकड़ियों के लिए भी होता है जो सरकार जो है स्वयं से उसका उपयोग करके उसको सेल वाणिज्यिक तौर पर उसका उपयोग करती है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का जो आपका कुल जो आपका फॉरेस्ट एरिया है उसका 18.92% जो है ये आपके वन्य प्राणियों का संरक्षण इस क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ वन विकास निगम, ठीक है। छत्तीसगढ़ वन विकास निगम, ये वन लाइनर हम देखेंगे जिससे डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन अभी तक पूछे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ वन विकास निगम जिसका गठन हुआ आपके मई 2001 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, आया हुआ प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ वन विकास निगम का गठन कब हुआ, मई 2001 में, ठीक।
देखिए इस छत्तीसगढ़ वन विकास निगम के अंतर्गत आपके 9 परियोजना मंडल है, ये भी आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ वन विकास निगम के अंतर्गत कितनी आपकी परियोजना मंडल है। परियोजना मंडल क्या होता है, यानी कि पर्टिकुलर किसी एक योजना के तहत जो है आपका वन क्षेत्र आपका उपलब्ध कराया जाता है। और भी अगर हम सरल शब्दों में समझे तो जैसे कि जो आपके जंगलों में रहने वाले जो आदिवासी है, उन जंगलों में रहने वाले आदिवासियों को वन आधारित रोजगार उन्हें उपलब्ध कराया जाता है ताकि उनका जो है आपका आजीविका सुनिश्चित हो सके। तो ये कहलाते हैं आपके परियोजना मंडल, पर्टिकुलर किसी एक योजना के तहत आपके जो क्षेत्र है ये आपका विकसित किए जाते हैं। तो वर्तमान में आपका छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के अंतर्गत आपके 9 परियोजना मंडल है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के अंतर्गत कितने वर्तमान में कितने आपके परियोजना मंडल जो है आपके अस्तित्व में है, तो टोटल 9। ठीक, इन 9 परियोजना मंडल में से आपके तीन परियोजना मंडल जो है ये आपके औद्योगिक परियोजना मंडल है। औद्योगिक परियोजना मंडल यानी कि इनका जो उपयोग जो है ये आपके औद्योगिक तौर पर यानी कि उद्योगों में किया जा रहा है, ठीक है। तो टोटल 9 परियोजना मंडल में से 3 परियोजना मंडल जो है ये आपके औद्योगिक परियोजना मंडल है। कौन कौन से है, एक है कोरबा, दूसरा है रायगढ़ और तीसरा है जगदलपुर। 9 के नाम याद नहीं रखेंगे तो चलेगा, लेकिन ये 3 का नाम याद रखिएगा। एक प्रश्न पूछा जाएगा कि जो है छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम की औद्योगिक परियोजना मंडल में निम्न में से कौन सा एक शामिल नहीं है, एक कोरबा देगा, रायगढ़ देगा, जगदलपुर देगा, एक बिलासपुर देगा। तो ध्यान से देखिएगा, इन 3 के अलावा जो भी चौथा होगा वो आपका आंसर होगा। तो टोटल कितने परियोजना मंडल अस्तित्व में है, 9, जबकि औद्योगिक परियोजना मंडलों की संख्या कितनी है आपकी, 3, कोरबा, रायगढ़ और जगदलपुर, 9 में से 3। ठीक, नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ हर्बल स्टेट, हर्बल मतलब होता है औषधि। छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट का दर्जा दिया गया था आपके 4 जुलाई 2001 को, डेट इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न आया हुआ है कि छत्तीसगढ़ राज्य को जो है आपका हर्बल स्टेट यानी कि औषधि वाले राज्य का दर्जा कब मिला, तो वो है आपके 4 जुलाई 2001 को। वर्तमान में जो है इस आपके हर्बल स्टेट के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 14 हर्बल गार्डन है, ठीक है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 14 हर्बल गार्डन है। इस डाटा को याद रखिएगा, ज़्यादा इससे डीप आपसे जाकर के नहीं पूछेगा। 14 हर्बल गार्डन है, हर्बल गार्डन अलग होता है, होम हर्बल गार्डन अलग होता है, ठीक है। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, केवल आपका हर्बल गार्डन, तो वर्तमान में आपके 14 हर्बल गार्डन मौजूद है। नेक्स्ट है आपका कैंपा योजना, ये कैंपा योजना होता क्या समझिएगा, कैंपा योजना CAMPA कंपनसेंट्री एफोरेस्ट्रेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, ठीक है, कंपनसेंट्री एफोरेस्ट्रेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ये कैंपा योजना क्या है, ये कैंपा योजना आपके वनों के सुधार से संबंधित है, वनों का सुधार यानी कि बिगड़े वनों के सुधार और आपके पौधों के संरक्षण से। लगातार जो है हमारे जो आपका देश है, हमारे देश में लगातार जो है आपका औद्योगिक प्रगति हो रही है यानी कि उद्योगों का जो है विकास हो रहा है, जिसके कारण हम कहीं ना कहीं वनों को जो है वनों को क्षति पहुँचा रहे हैं। तो जो आपके मानव हस्तक्षेप के कारण जो वनों को जो क्षति पहुँच रही है, तो उन वनों का सुधार करने के लिए, बिगड़े वनों का सुधार करने के लिए आपका कैंपा योजना चलाया जाता है, ठीक है। तो इस कैंपा योजना के अंतर्गत हमारे छत्तीसगढ़ में आपके 7 वन मंडल है, ठीक है, 7 वन मंडल, यहां वन मंडल की बात हो रही है। इस कैंपा योजना के अंतर्गत हमारे छत्तीसगढ़ के 7 वन मंडल शामिल है। ठीक, देखिए नेक्स्ट है आपका वन्य प्राणी मानव द्वंद्व, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि जो आपके वन्य जीव है, जो वन्य जीव जैसे कि शेर हो गया, चीता हो गया, हाथी हो गया, ये मानव बसाहटों में प्रवेश कर जाते हैं। मानव बसाहटों में प्रवेश करने के बाद क्या है, कई बार इनका जो है मानव और आपके वन्य प्राणी संघर्ष होता है। हाथी मानव बसाहटों में घुस करके उनकी झोपड़ियां तोड़ देते हैं, किसी व्यक्ति को कुचल करके मार देते हैं। चीता मानव बसाहटों में घुस करके किसी व्यक्ति को मौत के घाट उतार देता है, या आपके किसानों के मवेशियों को खा जाता है। तो ये कहलाता है आपका वन्य प्राणी मानव द्वंद्व। तो अगर इस कंडीशन में अगर किसी आम व्यक्ति को कोई क्षति पहुंचती है, तो सरकार उन्हें क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करती है। जैसे कि अगर कोई आपके वन्य प्राणी मानव बसाहट में प्रवेश करके किसी व्यक्ति को मार डालता है, यानी कि जनहानि होती है, मृत्यु होती है, तो उस दशा में सरकार जो है क्षतिपूर्ति के रूप में जो है 6 लाख रुपए की राशि प्रदान करेगा। जबकि स्थायी अपंगता यानी कि हाथी के कुचले जाने से कोई व्यक्ति जो है स्थायी तरीके से आपका अपंग हो गया, हैंडीकेप हो गया, परमानेंटली वो जो है आपका अपंग हो गया, तो उस कंडीशन में सरकार जो है 2 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि देगी। तीसरा है जन घायल, यानी कि किसी आपके जंगली जीव के आक्रमण करने से कोई व्यक्ति घायल हो जाता है, तो उस कंडीशन में सरकार जो है 59,100 रुपए की राशि क्षतिपूर्ति के तौर पर देगी।
पशु हानि यानी कि चीता हो गया, चीता बाघ ये आपके मानव बसाहटा में घुस करके किसानों के जो पालतू जानवर है उसे खा जाते हैं, उन्हें मार देते हैं, तो पशु हानि होने पर, पालतू पशुओं की हानि होने पर 30,000 रुपए की मैक्सिमम अधिकतम राशि सरकार के द्वारा क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जाएगी। तो ये है आपका वानिकी वाला चैप्टर, यहाँ होता है एंड। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।